नंबर नाइन देखते हैं, टू का नाइन नंबर में देखिए इक्वेशन दिया है 2x + 6y = 2। इसको तो सिंपल कर सकते थे, टू कॉमन करके डिवाइड कर देते, ये अच्छा रहेगा। इसको टू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 3y और इक्वल टू में 1 हो जाएगा, टू आके इधर डिवाइड कर गया, ये थोड़ा और सिंपल हो गया। तो इसको हम ऐसे ही लेके चलते हैं। और फिर है 3x - z = -8। और थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2x - y + z = -3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ ले लेंगे, लेट ए इक्वल टू में यहाँ पर क्या लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे 3x3 ऑर्डर का जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट होंगे। तो यहाँ 1, 3 जेड वाला टर्म ही नहीं है तो 0 इसका कोफिशियंट। एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, एक्स का कोफिशियंट यहाँ 3, वाई का कोफिशियंट 0 और जेड का कोफिशियंट -1। फिर थर्ड वाले में 2 - 1 1। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर x जो होगा वेरिएबल को एक कॉलम मैट्रिक्स में कर लेंगे x y z। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो कॉन्स्टेंट दिए हैं उनको एक कॉलम मैट्रिक्स में कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 - 8 - 3, 1 - 8 - 3। अब इसके बाद देखिए, पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं a का, तभी ना हम लोग इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। a का डिटर्मिनेंट R1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 लेंगे, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 - 1 - 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये -3 होता है, नेगेटिव में ना होता है, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 - 1 - 2 1, यानी हो जाएगा 1 × 0 - 1 - 3 × 3 + 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1 × -1 - 3 × 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 - 15, यानी -16 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। C11 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो, तो हो जाएगा 0 - 1 0 - 1, यानी कि आ जाएगा -1। ठीक है, फिर उसके बाद C12 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो -5। C13 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -3 और -0 यानी -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद चलते हैं C21, ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 3 - -+0 यानी आ जाएगा -3। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएगा, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी 1 - 0 1 आ जाएगा। C23 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे -1 और -6 हो जाएगा, यानी -7 बाहर, -7 - है तो +7 हो जाएगा। C31 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -3 - 0 यानी -3 ही आएगा। C32 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -1 और -0। ठीक है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं C33, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 0 - 9 0 - 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। ठीक है, 0 - 9 यानी -9। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन सभी को फैक्टर को सजा कर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर -1 - 5 - 3 -3 - 1 - 7 - 3 - 1 - 9, तो इसका ट्रांसपोज देखिए क्या हो जाएगा, -1 - 5 - 3 - 3 - 1 - 7। ठीक है, और फिर उसके बाद -3 - 1 - 9। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a का इनवर्स इक्वल टू में 1 / determinant of A और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग चलिए अब इसका इनवर्स निकालते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 1 / determinant of A की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -16 था, हम लोग अभी ऊपर निकाले थे। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, यहाँ पे लिख देते हैं इस मैट्रिक्स में -1 - 3 - 3,
माइनस फाइव वन वन, माइनस का थ्री सेवन, माइनस का नाइन। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एक्स इक्वल टू में ए इनवर्स बी। तो एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ऊपर एक कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल के फॉर्म में दिया था, एक्स वाई जेड, और ए का इनवर्स तो वन बाई माइनस का सिक्सटीन, और इनटू में यहाँ पर ये रहा है जॉइंट ऑफ ए जो था, माइनस का वन, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस फाइव वन वन, माइनस का थ्री सेवन, माइनस का नाइन। और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स ऊपर है, उसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर है देखिए, वन माइनस एट माइनस थ्री, वन माइनस एट माइनस थ्री, वन माइनस का एट माइनस का थ्री। चलिए अब आगे देखते हैं, माइनस वन बाई सिक्सटीन, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का वन, प्लस का ट्वेंटी फोर, और फिर प्लस का नाइन। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का फाइव, माइनस का एट, और माइनस का थ्री, है ना जी। फिर उसके बाद थर्ड रो में, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का थ्री, माइनस का फिफ्टी सिक्स, और फिर प्लस का ट्वेंटी सेवन। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल है आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में, एक्स वाई जेड इक्वल टू में माइनस वन बाई सिक्सटीन। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, यहाँ देखिए इन दोनों को इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, आ जाएगा आपका कितना एट, और एट में ट्वेंटी फोर का ऐड करेंगे थर्टी टू हो जाएगा। यहाँ देखिए इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन। और इन तीनों को सॉल्व कर देते हैं, देखिए ये दोनों कितना हो जाएगा, माइनस का फिफ्टी नाइन, और ट्वेंटी सेवन है प्लस का, तो यानी आ जाएगा यहाँ माइनस का थर्टी टू। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स जो होगा, देखिए क्या होगा, माइनस टू वन टू, यानी कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू माइनस का टू, वाई का वैल्यू वन, और जेड का वैल्यू टू। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका हम लोग